झारखंड में कोरोना का घट रहा है ग्राफ। 695 मिले नए संक्रमित, अब रह गए सिर्फ इतने एक्टिव केस। राज्य में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है। गुरुवार को 695 नए संक्रमित मिले, वहीं 1778 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई। इनमें बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, खुट्टी, लोहरदगा और सरायकेला के एक एक, धनबाद के दो, पूर्वी सिंहभूम के 3 व रांची के 5 मरीजों की मौत हो गई। गुरुवार को 27,394 लोगों के सैंपल लिए गए और 29,155 सैंपल की जांच हुई, जिनमें 2.38% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 82,78,972 लोगों की जांच हो चुकी है। इनमें 3,34,730 संक्रमित मिल चुके और 3,16,707 स्वस्थ व डिस्चार्ज हो चुके। वहीं कुल 4,926 मरीजों की मौत हो चुकी। इस समय राज्य में कुल एक्टिव केस 13,097 है। रांची में 3,349 एक्टिव केस हैं। सरयू राय ने मंत्री बनना गुप्ता की साजिश, क्या पर्दाफाश? सीएम हेमंत सोरेन को लिखी चिट्ठी। पूर्व मंत्री सरयू राय के आदितीपुर के डॉक्टर आनंद की गिरफ्तारी प्रकरण में सीएम को पत्र लिखकर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। राय ने लिखा कि पूर्व में डॉक्टर आनंद ने पत्र लिखकर इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई थी कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत उन अस्पतालों को भी लाभ मिल रहा है जो नियमानुसार निबंधित नहीं है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी। हो सकता है यह बात स्वास्थ्य विभाग को राश न आई हो। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर आनंद ने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य मंत्री का नाम लेकर कई मरीज इलाज करा लेते हैं लेकिन भुगतान नहीं करते। इस प्रकरण में उन्होंने व्हाट्सएप संदेश के स्क्रीनशॉट में भी साझा किया है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा हमला, पीएम नरेंद्र मोदी हमसे बात करके अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दफ़ा फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गुरुवार को निजी न्यूज चैनलों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल टीआरपी के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात करते हैं। उनके समझ मुख्यमंत्रियों को ना तो अपने राज्य की समस्याएं रखने का समय दिया जाता और ना ही कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट समाधान बताया जाता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि देश भयंकर तूफान में फंसा हुआ है। संकट का यह दौर सभी के लिए है। यह समय मिलकर समस्या से बाहर निकलने की है। राजनीतिक दुश्मनी के लिए आगे और वक्त मिलेगा। वैश्विक महामारी, दवाएं, ऑक्सीजन और सारे संसाधन केंद्र सरकार राज्यों को उपलब्ध कराती है। झारखंड को भी अभिभावक की तरह केंद्र को मदद पहुंचाना चाहिए था लेकिन राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। सीबीएसई प्राइमरी बोर्ड परीक्षा पर सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, गुड न्यूज। सीबीएसई प्राइमरी बोर्ड परीक्षा 2021 पर बड़ा फैसला होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय छात्रों को होम सेंटर आने अपने स्कूल से सीबीएसई कक्षा प्राइमरी बोर्ड परीक्षा 2021 में बैठाने की अनुमति देने पर सहमत हो गया है। सीबीएसई कक्षा प्राइमरी बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने की बढ़ती मांग के बीच सीबीएसई कक्षा प्राइमरी के छात्रों के लिए यह एक अच्छी खबर है क्योंकि सीबीएसई कक्षा प्राइमरी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए उपस्थिति होने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र के रूप में अपना स्कूल मिल सकता है। पता चलता है कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर संबंधित राज्यों सरकारों से चर्चा कर अंतिम नतीजे पर पहुंच गई है। इससे पहले रविवार को सीबीएसई कक्षा प्राइमरी बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने या आयोजित करने का फैसला करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक के दौरान सीबीएसई ने परीक्षा आयोजित करने के दो अलग अलग विकल्पों का सुझाव दिया था जिसमें मौजूदा स्कूलों को परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन करना शामिल था। रिपोर्टों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय छात्रों को सीबीएसई कक्षा प्राइमरी बोर्ड परीक्षा 2021 में उनके अपने स्कूल में उपस्थिति होने की अनुमति देने के लिए तैयार है। कोविड शील्ड का पहला डोज लेकर कोवैक्सीन ले रहे हैं लोग।
देश के कई राज्यों में वैक्सीन का कॉकटेल का मामला सामने आया, इसी तरह रांची में भी वैक्सीनेशन का कॉकटेल होने की सूचना है। कई लोगों ने पहला डोज कोविशील्ड का लिया था, लेकिन दूसरे डोज में कोवैक्सीन कर ले लिया। इस तरह की गड़बड़ी लोगों की लापरवाही से हुई, क्योंकि कई लोग वैक्सीन लेने के बाद भूल गए कि उन्होंने पहला डोज में कौन सी वैक्सीन ली थी। कुछ लोगों के मोबाइल पर वैक्सीन का मैसेज आया, लेकिन वह डिलीट हो गया। इस वजह से भी कुछ लोग गड़बड़ियां हुई वैक्सीनेशन के में। कॉकटेल का मामला सामने आने के बाद डीसी छवि रंजन ने लोगों से वैक्सीनेशन में सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में सावधानी बरते, अगर किसी को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया है तो 4 से 6 सप्ताह के अंतराल में कोवैक्सीन का ही टीका लगाएं। किसी ने कोविशील्ड का टीका लगवाया है तो 12 से 16 सप्ताह के अंतराल पर कोविशील्ड का ही टीका लगवाएं। रांची में 2 माह बाद 100 से कम मिले संक्रमित, 89 नए मरीज व 275 डिस्चार्ज। राज्यवासियों के लिए गुरुवार का दिन खास रहा, हम कोरोना पर विजय के करीब पहुंच गए। 2 माह बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 से नीचे आ गया। जिला भर में कुल 89 नए संक्रमित मरीज मिले और 275 ठीक हुए, वहीं 5 की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले 24 मार्च को रांची में 93 नए मरीज मिले थे। 25 मार्च को संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 170 पहुंच गई थी, लेकिन इसके बाद लगातार संक्रमित बढ़ने लगे थे, जो अप्रैल में रोजाना 1800 तक पहुंच गए थे। ऐसे में 100 से कम संक्रमितों को मिलना कोरोना का हारने का संकेत दे रहा है। हालांकि अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, नियमित रूप से मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्योंकि संक्रमण का प्रसार कभी भी तेज हो सकता है। आज छोड़ गया बर्बादी के निशान, लातेहार में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ गिरा तो हजारीबाग में डायवर्सन बह गया। रांची में तैयार फसल हुए नाश, कई जिलों में गिरे मकान। चक्रवाती तूफान आश अब झारखंड से निकलकर बिहार का रुख कर लिया है। जाते जाते यह झारखंड में बर्बादी के निशान छोड़ गया। राज्य में 2 दिनों लगातार हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में मकान धराशाही हुए तो कई जगहों में डायवर्सन बह जाने की कनेक्टिविटी समाप्त हो गई। वहीं रांची में किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई। यास के कारण लातेहार के सदर प्रखंड के होटगावा गांव के उराटोला में बरगद का विशाल काय पेड़ गिर गया। हालांकि इस पेड़ के गिरने से कोई हदादत नहीं हुई, लेकिन आवागमन प्रभावित रही। यह पेड़ लगभग 100 साल पुराना था। ग्रामीणों की मदद से पेड़ को काटकर हटाया गया। बाबूलाल के कंप्लेन पर निर्वाचन आयोग ने राष्ट्र चुनाव में हॉर्स ट्रेनिंग की दर्ज कराई थी FIR। मरांडी अब चुप। वर्ष 2016 की राज्यसभा चुनाव में मुखर रहे बाबूलाल मरांडी आज मौन है। उस समय उन्होंने ही चुनाव आयोग को कंप्लेन किया था, जिसके साक्ष्य के रूप में उन्होंने DC भेजी थी। उस वक्त की राज्यसभा चुनाव में भाजपा के दोनों उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्रा विजयी हुए थे। झामु प्रत्याशी बसंत सौरेन दूसरी वरीयता के वोट के आधार पर हारे थे।